कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? या आई स्पीक हिंदी इंग्लिश और एनी लैंग्वेज मराठी। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो एक बार अपना परिचय जरा दीजिए, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मुझे आपको व्हाट्सएप में व्हाट्सएप को मैं यूज नहीं करता हूँ, नंबर पे मैं टेलीग्राम का यूज करता हूँ। आप टेलीग्राम को डाउनलोड करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ जी, लेकिन इतना मैं एडवांस नहीं है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे एक हाई भेज दीजिए, मैं मेरा मैं व्हाट्सएप क्रेडेंशियल्स का यूज नहीं आपको। करता हूँ, मैं टेलीग्राम का यूज करता हूँ। आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर दीजिए तो मुझे हेलो भेज देंगे। मैं मेरा नंबर जो है ना आपने डायल किया है, यही नंबर है। हाँ अच्छा, आप तो ये गुजरात में है क्या? नहीं, आई एम बेस्ड आउट एट भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ, ओह वेरी आपको नाइस। आपको नंबर किसने दिया था ये? हाँ मद्रास में जेकब सर IAS ना, हाँ उन्होंने दिया था। जो केरला में है, नहीं, वो चेन्नई में सेटल हुआ है। हाँ चेन्नई में सेटल हुआ है। ओके 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 जी, हाँ जी। आप रोड सेफ्टी का कुछ इनिशिएटिव करते हैं क्या? रोड सेफ्टी पर भी इनिशिएटिव है, और क्राइम हाँ फ्री भारत पर भी इनिशिएटिव है, और देश जी, बदलने के ऊपर भी इनिशिएटिव है। ग्रेट ग्रेट। आपकी आपकी किसमें रुचि है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो रोड सेफ्टी से लेके हर चीज, ये 2 मिनट में ठीक हो सकती है। आपको जान के यस ताज्जुब यस हो सकता है कि इस देश को ट्रैफिक लाइट फ्री करके जी, ट्रैफिक का मैनेजमेंट 100 गुना इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि हाँ जी, आजकल व्हीकल की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि ट्रैफिक लाइट जो हैज बिकम द कंजेशन पॉइंट। यस एक एक जो है ना, बड़े शहरों में स्पेशली आप देखिए, एक एक ट्रैफिक लाइट जी, को क्लियर होने के लिए चार चार बार जो है ना ट्रैफिक लाइट बदल जाती है, आप वहीं खड़े रहते हैं। हाँ जी, तो आपको एक एक जगह पे कई बार चार चार पांच पांच मिनट तक वेट करना पड़ रहा है, तब आपको क्लियरेंस मिल पाता है। अब यदि यही व्यवस्था अपन थोड़े 2 मिनट के लिए सोचें कि सभी क्रॉस सेक्शंस हटा दिए जाएं, राइट, हाँ जी, और हम जो है अप्रोप्रिएट जगह पे डायवर्सन्स क्रिएट कर दें, राइट, और यू हाँ टर्न जी, लेके वी कैन रीच टू द अप्रोप्रिएट लेन वेयर एवर यू आर वी आर गोइंग। तो हमें ट्रैफिक ओके लाइट की ओके। जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, नंबर वन, वही है, नंबर वन, गाड़ियां नंबर तो सीधा नंबर ही। नंबर और वन, हाँ नंबर जी, टू, RFID और दूसरे सेंसर्स लगा के हम इंटर व्हीकल डिस्टेंस से लेके हर चीज मैनेज कर सकते हैं। आज हाँ हमारा जी, मेन प्रॉब्लम यह है कि वी आर नॉट फॉलोइंग एनी लेन डिसिप्लिन, राइट। हम यस, इंटर व्हीकल मिसअंडरस्टैंड। डिस्टेंस को मैनेज नहीं करते हैं, तो ट्रैफिक लाइट पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि हम गाड़ी से गाड़ी चिपका देते हैं। तो आप यदि थोड़े से पीछे खड़े हुए हैं, तो जब ग्रीन लाइट होती है, आपके 15-20 सेकंड तो जो है वो आपकी गाड़ियां जो है ना सामने वाली निकलती हैं, तब तक जो है ना उतना समय खराब हो जाता है, राइट। बहुत यदि यदि हम इंटर व्हीकल यदि डिस्टेंस को ही यदि मैनेज करते हैं और गाड़ियों में सेंसर्स का प्रोविजन कर देते हैं, आपकी गाड़ी बताएगी कि जी, आगे गाड़ी गाड़ी से आप कितनी दूरी पे हैं, और वो आपको वार्न करेगी अच्छा कि जो ना 2 मीटर से आप नजदीक जा रहे हैं या 1 मीटर से नजदीक जा रहे हैं, नाउ यू विल बी चालान। और उसी में जो है जी, ना डाटा लगा रहेगा जो आपका चालान भेज देगा, और आपको आपको जो है नहीं ना 2,000 का चालान लग जाएगा। फिर आप कोई वायलेशन करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, यदि आप जो है उसमें यदि सेंसर और वो सब लगा है, और यदि उस तरीके से होगा, तो आप कुछ गड़बड़ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो मैं बहुत आपको ठीक बात, चाहूंगा कि ये जैसे ट्रैफिक है और वे बाकी चीजें हैं, ये छोटी मोटी चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि अभी हमें देश बदलने वाली बातों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे नेहरू जी ने, आई डोंट नो आप उन्हें कैसा देखते हैं, मैं उनको सबसे बड़ा देशद्रोही के रूप में देखता हूं। आप मेरी बात से हाँ सहमत हैं जी क्या? जी मैं उनको सबसे बड़ा देशद्रोही मानता हूं, क्योंकि उस दुष्ट व्यक्ति ने, ही वॉज नॉट ए भारतीय, वो जो है अंग्रेजों का दलाल था, जिसे एडमिना ने लंदन में कल्टीवेट किया था। जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू दोनों को जी एडमिना ने एज ए सीक्रेट एजेंट कल्टीवेट किया था, एज ए स्टूडेंट। हाँ इन्हें जो जी, है 18,000 की बोतल, उस समय के 18,000 की दारू की बोतल पीने की आदत लगाई,
एक दो एक 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 दिन में ये 70 70 72 जो है ना सिगरेटें पीते थे, और ये खर्चा इनके बहुत पिताजी मोतीलाल नेहरू नहीं देते थे, ये खर्चा जो है अंग्रेज देते थे। तो इन्होंने जिन्ना जो है, जिसको आप मुस्लिम लीग कहते हैं, आप राजीव दीक्षित जी को सुनिए, वो बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग में केवल 5 चपरासी को मिला के, जो प्यून होता है उसको मिला के और जिन्ना को मिला के टोटल 5 आदमी थे। ये अंग्रेजों की मेहरबानी थी कि वो ये इससे स्टेटमेंट कराते थे, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो के साथ छपता था। तो एक 5 आदमी की ऑर्गेनाइजेशन की बात जो है ना, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में कैसे छप रही थी? क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों की प्लानिंग थी। तो ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत जो है, आपको सत्ता मिली और सत्ता गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को आ गई, जिन दुष्टों ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून आज भी थोप के रखे हैं। आपको मालूम है कि आपके जितने भी कानून हैं वो सब अंग्रेजों ने जो है 1860 के आसपास बनाए हैं। वो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो उसको दबाने के लिए जो कानून बनाए गए थे, वही सब कानून आपके ऊपर आज भी थोपे हुए हैं। आप मुझे ये बता आप मुझे ये चीज बताइए कि क्या अंग्रेजों ने भारतीयों के विकास और उनकी सेवा के लिए कानून बनाए थे, या भारतीयों को बिल्कुल अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए कानून बनाए थे? हमेशा तो लूट लूट के जाते थे ना पूरा इंडिया। उनका इतना महाराज थे इंडिया में, इतना प्रॉपर्टी थे, इतना अमूल्य वस्तु थे, पूरा लूट लेके गए ना। अच्छा, आप ये बताइए, जो प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने लाई थी, चंद मुट्ठी भर जो है अंग्रेज भारतीयों से, भारतीयों के ऊपर जुल्म करा के उन्होंने इतने वर्षों तक जो है अपना शासन चलाया, और वही दुष्ट व्यवस्था आज भी आप पर थोपी हुई है। यही कारण है कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था ना तो पारदर्शी है, ना अकाउंटेबल है। वो जो है इन राजनेताओं की चरण सेवक और बन गई है, जो उसकी विधिक जिम्मेवारी है उसका भी वो पालन नहीं करती है। सही बात कहा आपने। तो आपको नहीं लगता है कि ये ट्रैफिक मैनेजमेंट अपन जो है ना बाद में देख लेंगे, पहले जो है ना इन बड़ी चीजों को देख लेंगे तो ट्रैफिक से लेके हर चीज वैसे ही सुधर जाएगी। आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? साहब जी मेरा काम रोड सेफ्टी है, जो रोड अब पे अपना जो काम मौत जो होता है है। हाँ रोड सेफ्टी छोटा सा डायमेंशन है। कुछ समय के लिए आप जी अपना काम जो है देश सुधार के लिए मान लीजिए, कि हम जो हमने एक ऐसा जी मॉडल बनाया है कि हम जो है आने वाले 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। आपको आपको ऐसे मॉडल में रुचि है या नहीं है? हाँ, मेरे पास जो मैंने अब्रॉड में काम किया है, ट्रेनिंग लिया है, पुलिस को ट्रेनिंग देता है, केरला देखो, कर्नाटका मेरा ये कहना उड़ीसा है तमिलनाडु। कि आप जो है हमारे यहाँ प्रॉब्लम ट्रेनिंग की या ज्ञान की है ही नहीं, प्रॉब्लम इंटेंशन की है। जो आपके सामने हाँ जन जी टू व्हीलर एवं घूम के निकल जाता है, उसको ज्ञान की कमी है क्या? गलत तरीके से गाड़ी घुसा देता है, इसमें लेकिन ज्ञान की कमी नहीं है। ट्रैफिक का नॉलेज उसे है, वो ट्रैफिक लाइट जम करके जाता है, ये ज्ञान की कमी है क्या? नहीं, इट इज इंटेंशन की नहीं कमी है। तो यस हमें इकोसिस्टम बदल देंगे, आपकी चीजें बदल जाएंगी। बहुत तो बहुत खूब ट्रेनिंग के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी का और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके, मेरे पास तो एक्सीडेंट फ्री भारत बनाने का भी पूरा फॉर्मूला है। बहुत अच्छा इस बहुत देश अच्छा में एक्सीडेंट होना संभव नहीं होगा, आप कर ही नहीं सकते एक्सीडेंट, आपकी औकात नहीं एक्सीडेंट करने की, क्योंकि एक्सीडेंट के जितने भी कारण हैं उनको हम पहले ही टेक्नोलॉजी से कैप्चर कर लेंगे। देखिए, जी आप जो है ना किन कारणों से एक्सीडेंट होते हैं? आप जो है ना डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, आप शराब के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, कई बार आप लॉन्ग ड्रॉन जो है ना गाड़ी चलाते रहते हो, जिससे आपको झपकी लग जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सही सही कहा आपने। आप ये बताइए, गाड़ी आपकी यदि स्टार्ट ही नहीं होगी जब तक आप व्हिप नहीं दें, देखिए पहले वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट को सेंस करेगा, राइट? सो योर सही व्हीकल इज कहा फिट आपने। टू, योर व्हीकल इज फिट टू ड्राइव, ये आपको सर्टिफिकेट वो सिस्टम देगा। हेलो सो एंड सो, यू आर वेलकम, आई कैन सी योर ड्राइविंग लाइसेंस, राइट?
और वो ड्राइविंग लाइसेंस देखने के पहले जो है ना आपका फोटो जो है वहां ऊपर से जो कैप्चर करेगा उससे मिला के कहेगा कि हाँ आप ही ड्राइवर हो, राइट। यस अब आप ये यस बताइए कि वो आपको पफ देने के लिए कहेगा, उसके पहले गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब यदि मान लो आपने पफ दिया और उसमें आप लिकर के इन्फ्लुएंस में पाए गए, तो उनका ही यू हैव अटेम्प्टेड टू ड्राइव द व्हीकल अंडर द यस इन्फ्लुएंस ऑफ द लिकर, यू आर बीइंग चालान। गाड़ी अभी आपकी स्टार्ट नहीं और आपका चालान हो गया। अब बताइए यस आप जो है यस ना लिकर पी के आप गाड़ी की सीट पे बैठने की हिम्मत करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि यदि आपने व्हिप दिया और व्हिप देने के बाद जो है ना आप ठीक पाए गए, उन्होंने कहा यू आर वेलकम टू ड्राइव, राइट। आप उसमें अब जो जो बातें हम आपसे कह रहे हैं कि यदि हम ये सब चीजें फीचर कर देंगे तो जो अभी ढेर सारा कंजेशन हो रहा है वो कंजेशन ग्राउंड से विलोपित हो जाएगा। हाँ जी तो दीज आर द फीचर्स विच आर नॉट यूज इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम जो है ना जो वेस्टर्न सी चीजों से सीख के आ रहे हैं, हम उसको क्यों करेंगे? हम यदि उससे ज्यादा और आगे की चीजें सोच सकते हैं तो दुनिया हमसे सीखे आके। हम क्यों लंदन से सही सीखे, हम क्यों जो है ना अमेरिका से सीखे? अरे हमारे पास जब वैदिक ज्ञान था हमें सब चीज मालूम थी, उन सब हमको अंडरवियर पहनना नहीं आता था। आप जो है सही लॉर्ड कहा मै आज लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड एनएम की रिपोर्ट जो उन्होंने फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की है, जो कि 1780 पेज की थी, उसको पढ़िए कि उन्होंने क्या जो है ना गुरुकुल सिस्टम का क्या यशोगान किया है। उन्होंने कहा है आई हैव ट्रेवल इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल बेगर और पुअर मैन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉर्ड मैकाले एंड लॉर्ड विलियम एडम, वो भी हिंदुस्तान में नहीं कह रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लंदन में कह रहे हैं। सही बात है सर। तो जब उसमें पूछा गया कि कैसा है, तो उन्होंने बताया कि साउथ में लिटरेसी 97 to 99% है, नॉर्थ में सबसे कम 88% थी। 57% गुरुकुल ऑफ द साउथ देवर हेडेड बाय द लेडीज। हमारी जब जब जो है लंदन में और यूरोप में वो कहते थे कि महिलाओं में आत्मा ही नहीं होती है। आपको डू यू नो सही बात है देवर हैविंग दिस काइंड ऑफ द डर्टी कॉन्सेप्ट कि महिलाओं में आत्मा नहीं होती है, महिलाएं चुड़ैल होती हैं। सही आपको ये मालूम है पहले उनकी जो है ना इविडेंस वाज नॉट एडमिसिबल, फिर बाद में कहा कि साहब दो फीमेल इक्विवेलेंट टू वन मेल। तो ये यूरोपियन यूरोपियन कोई महान आदमी नहीं है। जब उसी लॉर्ड मैकाले से पूछा गया कि अच्छा चलो मैं आपने जो है ना भारत के बारे में तो बहुत बता दिया, हैव यू स्टडीड अबाउट द ब्रिटेन सिस्टम आल्सो, तो उसने कहा हाँ मैंने इसका भी अध्ययन किया है। तो उसने बताया कि जब यहाँ की 99% लिटरेसी थी उस समय लंदन की लिटरेसी माइट माइंड ओनली 17% थी। वहां ओह वहां के स्कूल जो है वो गैराज में चलते थे और केवल संडे स्कूल हुआ करते थे और जिसमें माय गॉड केवल बाइबल अकेली पढ़ाई जाती थी, जबकि भारत में जो है 18 विधाओं में महा प्रकांडता एक्सीलेंस जो है ना थी। ये बात जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैंने नहीं कही है, लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम ने कही है, विच इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। यस यस तो हम जो है इनको महान ना माने, मैं आपको कह रहा हूं आई कैन गाइड एंड इस कंट्री को बदल दिया जाएगा। सर दिस सर्टनली कंट्री सर्टनली विल आई डू बिकम अग्री टैक्स फ्री, दिस कंट्री विल बी फ्री फ्रॉम द जो है ना ये जो गुलामों के नियम कानून है ये बदल दिए जाएंगे। सिस्टम को जो है ना ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाया जाएगा। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेगा तो उसे कंपनसेशन देना होगा। ये सिस्टम क्यों नहीं है? आपको जो है ये देश वो सिस्टम ये देश अपराध मुक्त हो जाएगा और पांच सर्टेनिटी भी रहेंगी, बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में टेक्नो इंजन के माध्यम से आपका चालान पेश हो जाएगा और क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा। बहुत अच्छा कहा ये आपने। देखिए और इसका जो मेरे ये मेरा गवर्नमेंट एक ऑफ मिनट ये कॉन्सेप्ट नोट मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में एक्सेप्ट कर लिया है एंड आई एम द प्रोजेक्ट हेड ऑफ इट। आपको जानकारी होना सुपर चाहिए कि नेशनल पुलिस देर इज ए नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम एंड दिस नेशनल पुलिस मिशन इज बीइंग हेडेड बाय मी मैथिली शरण गुप्त। दिस ईयर सर है दिस ईयर
पार्डन मी, विच ईयर? इट वॉज एक्सेप्टेड एट नेशनल पुलिस मिशन इन 2019 एंड इट इज बींग हेडेड बाय मी इवन एज ऑन डेट. ओह ग्रेट, सुपर, कंग्रेचुलेशन सर. हाँ थैंक यू, थैंक यू. बट व्हाट आई से दैट कि इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. ये अपराध मुक्त भारत कैसे होने देंगे जहाँ के नेता ही जो है ना अपराधी हों. डू यू नो दैट इंडियन पार्लियामेंट विच इज करेंटली इन सेशन, दैट इज 2019 टू 2024, इट इज हैविंग 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज ए क्रिमिनल. 42% एंड 29% ऑफ देम दे आर हैविंग वेरी हीनस ऑफेंस लाइक मर्डर, रेप, डकैती, किडनैपिंग. नहीं, या इट इज एब्सोल्युटली सैड. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अब जो है क्राइम फ्री भारत ने सोच लिया है कि इन नेताओं को पराजित करके नई व्यवस्था स्थापित होगी. तो व्हाट्स योर गुड नेम सर? मेरा नाम उपेंद्र नारायण. उपेंद्र नारायण जी, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ. मैं आपको दो लिंक भेज रहा हूँ. एक लिंक है क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप की. आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ज्वाइन थ्रू दैट लिंक, राइट? सेकेंडली, मेरे एक वेबसाइट है, आई गॉट ए वेबसाइट. हाँ, इट इज www. आप उसी में SMS में भेज दीजिएगा तो हम उसको देख के उसको वो भी हम आपको देखेंगे. और अच्छा, एक क्राइम फ्री भारत करके एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मेरे 2600 के लगभग वीडियोज हैं. विच इज सेइंग कि ये देश कैसे बदलेगा, ये देश में जो है ना ये कैंसर मुक्त देश हो जाएगा. आपको मालूम है कैंसर इज अवर क्रिएशन. कैंसर बीमारी नहीं है. डू यू नो दिस और नॉट? इट्स अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड सर. या देखिए मैं आपको बताऊं, कैंसर जो है आपके सेल का, आपने जो अपनी बॉडी पर अत्याचार किया है केमिकल का, उसका विरोध है, उसका प्रतिशोध है, राइट? यस. देखिए आप जो है केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के नाम पे जो है ना ढेर सारी एट्रोसिटीज कर रहे हैं. आप जो है हार्मोनल इंजेक्शन आपके लोग दे रहे हैं, यू आर कमिटिंग ए ग्रेट एट्रोसिटीज. आप जो है ना 48 करोड़ लीटर, 16 करोड़ लीटर दूध जो है आप कंज्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 64 करोड़ लीटर, 64 करोड़ लीटर दूध यू आर कंज्यूमिंग, 48 करोड़ लीटर दूध जो है ना मिल्क इज बींग प्रोड्यूस थ्रू द केमिकल्स. एंड देर इज अ रिसर्च वर्क विच सेज दैट इफ यू कंटिन्यू टू कंज्यूम दिस आर्टिफिशियली मेड मिल्क फॉर 4 ईयर्स, 87% ऑफ द पर्सन विल सफर फ्रॉम कैंसर. तो कैंसर जो है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. एंड मेरा वेबसाइट में आपको नाम बताओ, ऐसे ही आप देख लीजिए. ट्रैफिक मैं जरूर देखूंगा. मैं चाहूंगा कि आपकी वो वेबसाइट में देख लूंगा. ट्रैफिक में आई वुड लाइक टू जो है ना टेक एडवांटेज ऑफ योर नॉलेज, रादर आई वुड लाइक टू रिफाइन माई कॉन्सेप्ट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ यू, बिकॉज यू हैव डन सो मच ऑफ द वर्क, सो आई वुड लाइक टू बी बेनिफिटेड बाय योर एक्सपीरियंस. So, I will do my level best, sir. And I would like you to be partner for this nation. यदि देश अच्छा हो जाएगा तो बाकी चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी. 25 साल से मैं वॉलंटरी ऐसा काम करता हूँ. बहुत दफा मैं, अब तो मैं केरला गवर्नमेंट का रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हूँ और 4 स्टेट में पुलिस को ट्रेनिंग देता हूँ और नेशनल अवार्ड मिला है मुझे. मैंने एक डिस्ट्रिक्ट में 30% एक्सीडेंट कम कर दिया है. तो मैं आपके जो है ना 30% को 100% तक जो है ना बढ़ाने में आपकी मदद करूंगा. आई विल मेक इट 100% थ्रू यू ओनली. यस सर, दैट इज डूएबल. यदि हम ये सोचेंगे तो ये डूएबल है, मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं है, इट इज डूएबल. Great sir, I will do it and I am very happy to talk to you sir. Right, I am sending 2 links through SMS because I don't use WhatsApp and I request you to kindly download Telegram. We will be talking through Telegram. I will do it sir. Right. I will do it. Thank you, Upendra. Thank you. Okay. Thank you sir. Bye. Namaskar. Namaskar.